हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम आज पढ़ने वाले हैं संपूर्ण गणित का निचोड़, यानी कि पूरी गणित से लगभग 50 ऐसे एमसीक्यूज आज के वीडियो में हम करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आईएमपी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी परीक्षा नजदीक आ रही है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि मोस्ट सिलेक्टिव और आईएमपी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो हम गणित का पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। तो आपको पता होगा कि मैं चैप्टर वाइज भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यानी हर चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहां से जाके आप चैप्टर वाइज भी अध्ययन कर सकते हो और इस बार बोर्ड परीक्षा में फोड़ के आ सकते हो। बहुत अच्छी तैयारी आपको करना है, उसके लिए मैं भी लगातार रिसर्च करके आपको तरह तरह के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस साल के लिए इस टाइप के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, फिर इस तरीके के क्वेश्चन है। एक बार आप देख लो ताकि आपको आइडिया लगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपने देखे भी होंगे अलग अलग मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्न। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपकी जो किताब है वो एनसीईआरटी की हो और आपके आपके पेपर में अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या सही विकल्प पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये प्रश्न तो ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो मैं आप शुरुआत कर देता हूँ बिना देरी किए, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और आपको एक बात और करना है, अगर हो सके तो उनको अच्छे से लिख लेना है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो पीडीएफ भी मेरे से ले लेना है। मेरा नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। इस पे आपको मेरे द्वारा हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, और वो नोट्स में क्या होगा, हर चैप्टर में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लिखे होंगे, चैप्टर फर्स्ट के, चैप्टर सेकंड के, चैप्टर थर्ड के। तो ये आप इस पे संपर्क करोगे तो हमारी टीम आपसे आपको मैसेज करेगी, आपको सब कुछ बता देगी कि नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आप वहां से ले सकते हो। चलो तो ये नंबर आपने लिख लिया होगा, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको गैस करना है कि कौन सा सही है। अगर आप पे बनता है तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला बन जाएगा, नहीं बनता है तो उसको अच्छे से समझ लेना है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप क्या होगा, आप कैसे करोगे। देखो कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, कोई भी पूर्णांक है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सम हो सकता है या तो वो विषम हो सकता है। बड़े ध्यान से पूरा ध्यान केंद्रित करके यहां पर देखना है, या तो वो क्या हो सकता है, सम हो सकता है या विषम। सम विषम तो आप जानते ही होंगे, जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार चला जाए वो सम है, और जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता वो क्या है, विषम है। तो हमने यहां पे देखा कि कोई भी पूर्णांक है, एम क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक क्या कहलाता है वो भी समझ लो। पूर्णांक मतलब होता है एक पूर्ण अंक, जैसे एक दो अपने आप में एक पूर्ण अंक है, लेकिन 1.2 ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में है, आप समझ पा रहे हो। तो पूर्ण अंक क्या कहलाता है, 1, 2, 3 इस तरीके के अंक, दशमलव में नहीं आना चाहिए, उसे हम पूर्ण अंक नहीं कहेंगे, जो पूरा अपने आप में एक अंक हो। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक संख्या ले ली 2, सम संख्या मैंने ले ली 2 और विषम संख्या ले ली 3, ये दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखो अगर कोई पूर्णांक m है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, कुछ कोई भी संख्या हो, अगर हम उस पूर्णांक में, अगर हम उस पूर्णांक में क्या कर दें, अगर हम उस पूर्णांक में 2 का गुणा कर दें, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अगर हम उस पूर्णांक में 2 का गुणा कर दें तो वो क्या बन जाती है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, क्या
क्या बन जाएगी? एक सम संख्या ही बनेगी। चार और छह दोनों क्या है? दोनों ही सम संख्याएं हैं। तो हमें एक बात समझ में आती है कि अगर कोई पूर्णांक m हमें दिया गया है और अगर हम उसमें दो का गुणा कर देते हैं तो वो सम पूर्णांक का रूप बन जाता है। किसका रूप बन जाता है? सम पूर्णांक का रूप बन जाता है। और किसी भी सम पूर्णांक में अगर हम एक जोड़ दें तो वो विषम बनेगा, क्योंकि सम के बाद क्या आता है? विषम। तो जैसे चार में हमने एक जोड़ दिया तो क्या बन गया? पांच। छह में एक जोड़ दिया तो क्या बन गया? सात। तो चार और एक पांच, एक विषम संख्या है। तो क्या हुआ? सम संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? विषम बन जाती है। ऐसे यहां पे सम संख्या में एक जोड़ दें तो क्या बन जाती है? विषम। यानी कि ये सम पूर्णांक का रूप क्या है? 2m। और अगर कोई मुझसे पूछे कि विषम पूर्णांक का रूप बताओ तो कितना आसान है, यहीं पे क्या कर देना, 2m में एक जोड़ देना तो वो क्या बन जाएगी? तो आप कहोगे सर वो विषम पूर्णांक बन जाएगी। कितना आसान है सवाल को समझना, कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि अच्छा जिसमें दो का गुणा है वो सम पूर्णांक, और जिसमें दो का गुणा होने के बाद अगर प्लस एक है तो वो विषम पूर्णांक। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमसे पूछा क्या है? सवाल में हमसे पूछा है कि सम पूर्णांक का रूप बताओ, तो सम पूर्णांक का रूप केवल 2m होगा। अगर सवाल में हमसे पूछा होता विषम पूर्णांक का रूप बताओ तो क्या हो जाता? 2m+1, क्योंकि पहले उसे सम बनना पड़ेगा, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विषम बनेगा। इस तरीके के सवाल इस साल आने की संभावना है। आप अच्छे से तैयार करिए सम और विषम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए, इस बार पूर्णांक को क्यू ले लिया गया है, के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? काफी अच्छा सवाल है, लेकिन आप देखते ही लगा दोगे। मैंने अभी अभी बताया कि विषम पूर्णांक क्या होता है। जैसे अगर क्यू कोई पूर्णांक है तो इसमें हम क्या करेंगे? दो का गुणा, तो ये क्या बन जाएगा? ये सम बन जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? विषम, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? ये विषम बन गया। यानी कि जब हम एक जोड़ते हैं तो वो विषम बन जाता, तो यही आंसर सही हो जाएगा, 2q+1, यही ना सही होगा? तो इस बात को अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, तो शून्य ना हो, जैसे अभी संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जीरो नहीं हो, उसे कहते हैं अशून्य। तो बची कौन सी? ये कहलाती है अशून्य, यानी जिसमें शून्य ना आता हो या जो शून्य ना हो, ठीक है? तो ये अशून्य है। लेकिन कौन सी संख्याएं बोली है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसके बटे में एक लिखा जा सके। देखो इनके बटे में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये सभी कौन सी संख्या है? ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखना। तो आप कहोगे सर पी बटे क्यू के रूप में तो 3/5 लिखा जाता है या 2/7 लिखा जाता है, तो ये होगी ना परिमेय संख्या। ये आपने कैसे बता दी? 2, 3, 4, तो इनके बटे हम एक लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। इन सब के बटे हम एक लिख सकते हैं, इसके भी बटे और इसके बटे, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब आपको एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, जैसे कि 2 मान लो, ये अशून्य है और परिमेय संख्या भी है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो करणी के रूप में हो। तो जैसे हमने करणी 2 ही लिख लिया, तो एक हो गया अशून्य परिमेय संख्या, एक हो गई अपरिमेय संख्या। ये क्या है बताओ? अशून्य परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब पूछा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो जब इनका गुणा करेंगे 2 का करणी 2 में तो कितना आएगा? 2 करणी 2, और 2 करणी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है ना। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा कर दिया जाए? किसका गुणा कर दिया जाए? अपरिमेय संख्या का। तो उसका उत्तर परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो आप बता दोगे कि उसका उत्तर अपरिमेय ही होगा, क्योंकि एक बार अपरिमेय आ चुका है, तो अपरिमेय जिस संख्या में भी गुणा करता है वो अपरिमेय ही बनता है, इतना याद रखोगे। अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगी, हमेशा क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही बनेगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि रैखिक बहुपद के किस
शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहला सवाल उठता है कि यार रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद का रूप जो होता है वो ऐसे होता है, ए एक्स प्लस बी। मतलब इसमें एक्स के ऊपर घात कितने की है? एक की है। तो इसमें रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें घात कितने की होती है? एक की घात होती है। जैसे उदाहरण 3x+2, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। या फिर उदाहरण 4y+3, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों है रैखिक बहुपद? क्योंकि इसमें एक चर है और एक चर के ऊपर एक की ही घात है। जैसे आप देख सकते हो x एक चर राशि है, तो चर के ऊपर क्या है? एक की घात है। यहाँ y एक चर राशि है और उसके ऊपर भी कितने की घात है? एक की घात है। यानी कि जब आपको समझ में आए कि घात एक की है तो आप कह सकते हो कि वो रैखिक बहुपद है। अब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, चलो निकाल के देख लेते हैं कैसे आएगी शून्यकों की संख्या। जैसे इसको उठाओ और इसके शून्यक निकाल लो, तो हमने क्या किया, 3x+2 लिखा। अब जब भी आपको शून्यक निकालना है रैखिक बहुपद का, तो क्या करना है, बराबर में जीरो लेना है, बराबर में जीरो। अब दो का इस तरफ पक्षांतर कर लो तो आएगा 3x - 2। इतना कर लोगे। अब ये जो गुणा में है 3, इसको बटे में लेके आ जाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। तो एक ही शून्यक पॉसिबल है, दो नहीं निकाल सकते। दो शून्यक किसमें होते हैं, द्विघात बहुपद में। जैसे x² - 7x - 10। ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है। इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अदर ऑप्शन, अदर एमसीक्यू कुछ बदल के भी आ जाए तो भी बनना चाहिए। ये क्या है, द्विघात बहुपद। ये क्या है बेटा, द्विघात बहुपद है। तो इसके शून्यक कैसे निकालोगे बताओ? इसके शून्यक निकालने के लिए आप गुणनखंड करते हो कि ऐसी संख्या जिनका गुणा 10 हो लेकिन जोड़ना घटाना क्या हो, 7 हो। तो 5 × 2 = 10, और 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो इनके द्विघात बहुपद के दो शून्यक आते हैं, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो आप, 5x + 2x और प्लस कितना आ जाएगा, 10। आप तोड़ोगे यहां से गुणनखंड और यहां से गुणनखंड, तोड़ोगे कि नहीं? तो ये द्विघात बहुपद में एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x+5। यहाँ पे प्लस का 2 है तो वही कॉमन ले लोगे और यही कोष्टक फिर से। ये मेथड मैंने आपको सिखाई हुई है। तो x+5 x+5 दो जगह है, तो इसको एक जगह लिख लो और x+2 लिख लो। आप शून्यक निकालना है तो इस कोष्टक के बराबर में 0 ले लो और इस कोष्टक के बराबर में भी बीच में यह शब्द लिख दो और इस कोष्टक के बराबर में भी क्या कर लो, 0। तो +5 इस तरफ आ जाएगा तो -5, और +2 इस तरफ आ जाएगा तो -। देखो इसमें दो शून्यक आए हैं ना, केवल आपको दिखाने के लिए कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक आते हैं और रैखिक बहुपद में एक शून्यक ही आता है। पूछा क्या है, रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या तो क्या लगा देना, एक। लेकिन सवाल बदल के आ जाए, आपसे पूछ ले द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या लगा के आना है, दो। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये वीडियो केवल एक तरफ से नहीं दिखा रहा, आपको चारों तरफ से सोचने की क्षमता विकसित करेगा, जिससे आप एमसीक्यू अच्छी तैयारी के साथ करके जाओगे। बहुत ध्यान से आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, कि कोई द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण ये दिया गया है कि मूल बराबर हो यदि सी का मान होगा। अब मैंने अभी आपको एक एक चीज बताई हुई थी, पहले उसको रिलेट कर लो। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, ये समझ लो थोड़ा सा, कई बच्चे जानते भी होंगे लेकिन फिर भी देख लो। द्विघात बहुपद क्या है, जैसे हमने लिख लिया था, अभी लिखा था जो x² + 7x + 10, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जब इसे समीकरण में बदलना है तो हम बराबर में जीरो लगा लेंगे या कुछ भी, बराबर शब्द आ गया तो वो एक बहुपद नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, समीकरण। इतना बहुपद है, कहने का मतलब इतना बहुपद है, और इसमें अगर बराबर का चिन्ह आ गया तो वो एक क्या बन जाता है, वो एक समीकरण बन जाता है। बस इतनी सी छोटी सी बात है कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है वो मैंने बता दिया। अब सवाल को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा, काफी अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद समीकरण में दिया गया है वो लिख लो, ए एक्स वर्ग धन
बी एक्स धन सी बराबर जी। ये क्या है बताओ? द्विघात समीकरण है। अब इसमें बड़े ध्यान से समझना कि हम जानते हैं कि जो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तकर डी बराबर हो 0 के। ये आपको पता होना चाहिए कि मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तकर डी 0 के बराबर हो। ठीक है, अब विविक्तकर जो डी होता है इसका मान क्या होता है याद रख लो, अगर याद नहीं है, बी वर्ग माइनस 4 AC। ये विविक्तकर डी का मान होता है बी वर्ग माइनस 4 AC, तो हम डी की जगह पे रख देंगे। तो डी की जगह पे हमने रखा बी वर्ग माइनस 4 AC, और बराबर है तो बराबर लगा दिया और 0 है तो 0 रख दिया। अब हमें यहां से सी का मान निकालना है, बड़े ध्यान से समझना, सी का मान निकालना है तो हम पहले माइनस 4 AC का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो बी वर्ग लिख लिया। ये जो माइनस का 4 AC है इसको इस तरफ ले गए तो 0 हट जाएगा और ये प्लस का 4 AC हो जाएगा। माइनस का था, इस तरफ ले आए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब सी का मान निकालना है तो ये 4A गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो बी वर्ग बटे 4A बराबर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यही सी का मान आ जाएगा बी वर्ग बटे 4A। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है, लेकिन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण अपन को क्या दिया गया है, 9x² + 6kx + 4 और बराबर में क्या है, 0, यही दिया गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, अपने व्यापक वर्ग समीकरण से। ax² + bx - c = 0 इससे करना है। तुलना करने से क्या होता है, तुलना करने से हमें ए बी सी के मान पता चल जाएंगे। तो हमने देखा कि एक्स वर्ग यहां है तो एक्स वर्ग यहां है, तो ए का मान कितना है, 9, ए बराबर। यहां देखो x से x कैंसिल तो b का मान कितना है, 6 के। कॉमा यहां c का मान पूरा +4, ये हो गया। अब पूछा क्या है कि मूल वास्तविक एवं कैसे हो, समान हो, समान मतलब बराबर हो। तो मूल शब्द जब भी आए तो विविक्तकर को बुलाते हैं, और मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो d बड़ा और बराबर हम लिख सकते हैं 0 के। ये शर्त होती है, एक शर्त होती है मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो डी जो होता है 0 के बराबर होता है। ये कब की शर्त है, जब मूल कैसे हो बेटा, बराबर हो। इस बात को समझ पा रहे हो आप? जब मूल बराबर हो तो डी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन जब मूल वास्तविक हो और समान हो तो डी फिर बढ़ जाता है, 0 से अधिक हो जाता है। तो जिस तरफ ये मुंह खुला है ना वो संख्या बड़ी होती है। तो इस बार क्या दिख रहा है कि डी बड़ा है 0 से। क्यों हो सकता है ये, कब हो सकता है, जब मूल क्या होते हैं, जब मूल वास्तविक होते हैं तो डी 0 से बड़ा होता है। लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ समान भी है तो हमें यहां पे बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो एक डैश बस लगाते हैं, उसको बराबर माना जाता है। तो इसका मतलब ये बताता है कि मूल वास्तविक है और ये बताता है कि बराबर भी है, यानी समान भी है। तो ये चीज। तीसरी शर्त और होती है, आप इनको नोट करिए जरा। तीसरी शर्त क्या होती है कि डी अगर 0 से भी छोटा हो जाए, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में संख्याएं हो जाना, 0 से बड़ा होना मतलब प्लस में संख्याएं आना। तो अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, यानी डी का मान अगर माइनस में आता है, ये कभी हो नहीं सकता, यानी कि मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा हो, यानी डी की तरफ ये बंद मुंह बना हो और 0 की तरफ मुंह खुला हो, ये देखो, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये तीनों शर्तें आपको आनी चाहिए कि मूल कब बराबर होते हैं,
कब वास्तविक होते हैं और कब काल्पनिक होते हैं। चलिए इस पे आओ, अब बताओ कि मूल वास्तविक एवं समान है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डी का मान क्या होता है? वी वर्ग माइनस 4 AC बड़ा या बराबर क्या है? 0। अब बी का मान कितना है? 6 के, तो बी की जगह पे बी का मान रख दो 6 के, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान कितना है? 9, तो ए की जगह पे 9 लिख लो, और सी का मान है 4, तो सी की जगह पे 4, और बड़ा या बराबर और 0 ये तो लिखना ही है। आगे करते हैं इस सवाल को, तो हमने इसको गुणा किया तो 6 के वर्ग लिखा है। क्या लिखा है? 6 के वर्ग। तो आप 6 के वर्ग का मतलब होता है 6 के गुणित 6 के, दो बार लिखो, है ना? तो आप संख्या का संख्या में करोगे तो 6 6 36, और के का के में करोगे तो कितना आ जाएगा? के वर्ग, क्योंकि एक की घात 2 की हो जाएगी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 36 K² और फिर ये बड़ा या बराबर का चिन्ह अभी मत लगाओ, एक काम करो माइनस का चिन्ह है तो वो लगा रहने दो, और 9 चौके 36, 36 × 4 लिख सकते हो आप, या 36 में 4 का गुणा करके लिख लो जितना आ रहा है, 36 × 4। मैं क्या कर रहा हूं कि 36 × 4 ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 36 36 कट सकते हैं, तो मैंने 36 × 4 लिखा, जिससे पेपर में आपका टाइम बच जाएगा। अब ये 36 × 4 जो है ये माइनस का है, और माइनस की संख्या कहाँ आ जाएगी? प्लस में। तो हमने क्या किया, 36 K² बराबर 36 × 4 कर लिया, प्लस में पक्षांतर कर लिया इस तरफ। अब यहां से 36 गुणा में है तो बटे में लेके आ गए, तो K² बराबर कितना हो गया? 36 × 4, और बटे में 36 आ गया। अब 36 से 36 कट गए तो के वर्ग बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, तो वर्ग से वर्गमूल आ जाएगा, यानी वर्ग हटेगा तो इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो ±2 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद रखनी है कि मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, मुझे बराबर का चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, इस तरीके से अभी अभी भी चलेगा, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसी को टिक लगाएंगे। एक बराबर वाला भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन ये रहेगा तो इसको टिक लगाना है, ठीक है? 4 ऑप्शन में से इसके ऑप्शन बाय मिस्टेक लिख नहीं पाए हैं, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण मतलब इन 4 में से बताना है कि कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें 2 की घात नहीं आ रही है, बाकी सब में आ रही है, सिर्फ एक ऐसा समीकरण है जिसमें 2 की घात नहीं आ रही है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहला समीकरण हमने लिखा क्या है, 3x - x² बराबर x² + 5। हमने देखा कि क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि 2 की घात आ ही ना रही हो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात यहाँ है, 2 की घात यहाँ है, तो हमने क्या किया, इसको इस तरफ लेके आ गए, तो 3x = x² पहले से लिखा था, +5 पहले से लिखा था, ये माइनस का इस तरफ लेके आ गए तो प्लस का हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि 3x बराबर, अब आप देख रहे हो 1x² और 1x² कटा नहीं बल्कि जुड़ गया, तो ये पूरा समीकरण तो द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 की घात मौजूद है, कहीं भी कटी नहीं है, कभी भी कैंसल नहीं हो रही है, तो ये पहला समीकरण तो द्विघात समीकरण है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहला तो है, तो पहला हम नहीं टिक लगा सकते, पहला द्विघात समीकरण ऑलरेडी है, तो दूसरे पे बात कर लेते हैं, बी नंबर का। तो x + 2 का² + 2x² - 5, ये देख लेते हैं करके। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर अपन इसकी सर्व समीकरण लगाएंगे तो ये आएगा ए वर्ग धन बी वर्ग यानी 2 का वर्ग धन 2ab, 2 a का मान x है और b का मान कितना है, 2 है, बराबर यहां देखो 2, यहां भी सर्व समीकरण लगाएंगे तो a वर्ग। अब यहाँ पे सर्व समीकरण लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि 2 का गुणा कर दो, तो 2 का x वर्ग में होगा, तो 2x² माइनस है तो माइनस, और 2 5 10। अब हमने ये दिमाग लगाया कि x वर्ग ये है और यहाँ पे क्या है, 2x वर्ग,
तो एक एक्स वर्ग इस तरफ आएगा तो माइनस का हो भी जाएगा, तो बाकी तो दो एक्स वर्ग है, तो एक एक्स वर्ग तो बचेगा बचेगा जिसे कोई नहीं काट पाएगा, यानी एंड में जो उत्तर आएगा उसमें एक्स वर्ग रहेगा। यानी कि ये भी क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है, लेकिन हमें तो चाहिए जो नहीं है। तो अब हम तीसरे पे ट्राई करते हैं। तीसरे पे पहुंचे, हमने लिखा अंडर रूट 2x+3 का स्क्वायर बराबर 2x² + 6, यही लिखा। अब हमने क्या किया कि a धन b का होल स्क्वायर है, तो हमने सर्वसमीकरण लगा दी, a वर्ग यानी √2x² धन b वर्ग यानी 3 का वर्ग धन 2ab, 2 a का मान है √2x और b का मान है 3, और ये ज्यों का त्यों 2x² धन 6। अब जैसे ही हमने 2x² किया तो इसका मतलब पता है क्या होता है, √2x * √2x, यही होता है। तो संख्या का संख्या में करोगे तो √2 और √2 से तो 2 बाहर आ जाएगा, और x का x में करोगे तो x² हो जाएगा, यानी ये बनेगा 2x², और प्लस 3 का वर्ग 9, और यहां देखो 3 दूनी 6, 6 का √2 में तो 6√2x, और बराबर क्या है 2x² + 6, यही है। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ भी 2x² है और बराबर के इस तरफ भी, तो ये दोनों कट गए, कटे हैं कि नहीं। तो यहां से समझ में आ रहा है कि अब यहां पे x² कोई नहीं है, तो यही एक ऐसा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब होंगे, ये भी होगा ये भी होगा, फिर आगे का तो देखना ही नहीं है जब अपन को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x+2y = 16 और 7x - 4y = 2 के क्या हल है। बहुत आसान है, विलोपन विधि से इसको कर दो, हल पूछे हैं ना। तो 5x+2y = 16, एक समीकरण ये है, मोस्ट आईएमपी सवाल है ये, और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 7x - 4y = कितना है, 2 है, ये है समीकरण। अब विलोपन विधि से हल करने की टेक्निक क्या है कि हम सबसे पहले बाई के गुणांकों को सेम बना लेते हैं, समान बना लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 बना लिया और यहाँ पे सब दूसरे नंबर पर समीकरण 2 बना लिया। अब हमारा रूल क्या है कि समीकरण 1 में अगर बाई के गुणांकों को हमें समान बनाना है तो यहां देखो बाई के पास कितने लिखे हैं, 4, तो ये जो 4 है इस पूरे समीकरण में गुणा करेगा, और ऊपर देखो बाई के पास कितना लिखा है, 2, तो ये जो 2 है इस पूरे समीकरण में गुणा करेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा होगा और समीकरण 2 में कितने से होगा, आप बताओ, ये समीकरण 2 में कितने से होगा, समीकरण 2 में होगा 2 से। ठीक है, तो 2 से गुणा होगा, बहुत आसान है, चलो कर दो। तो 4 का करो, 4 × 5 = 20x, प्लस है तो प्लस, चिन्हों से कोई खिलवाड़ नहीं करना है, जो समीकरण में चिन्ह लगे हैं वही चिन्ह होंगे, आपको कोई खिलवाड़ नहीं करनी है। 4 × 8y = 16 × 64, अब 2 का कर दो तो 7 × 14x - 4 × 8y = 2 × 4, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या होता है, बहुत आसान है। अब 8y से -8y ये कैंसिल हो जाएगा, 20 और 14 जोड़ो तो कितने हो गए, ये 34x, और बराबर ये 64 और 4 कितने हो गए, 68। तो अब क्या होगा जरा ध्यान दो, 34x = 68, 34 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 68 बटे 34 हो जाएगा, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, यानी x बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो एक तो ये हो जाएगा, अब x का मान अगर समीकरण 1 में रख दो तो y का मान भी मिल जाएगा, तो 5x की जगह पे हम कितने रखते हैं, समीकरण 1 देखो ये है तो 5 है, तो 5x की जगह पे कितना रख दो, 2 रख दो, और +2y = 16, ये ज्यों का त्यों चलने दो। तो 5 × 10 + 2y = कितना आ गया, 16, 10 को इस तरफ लेके आओ तो 2y = 16 है, -10 हो जाएंगे अपने, तो 2y = 16 में से 10 गए तो कितने बचे, 6 बचे, तो 2y = कितना था, 6, 2 गुणा में है तो बटे में लेके आओ, तो y = 6/2, 2 × 3 = 6, 3 बार कट जाएगा, y का मान 3 और x का मान 2, तो x = 2 और y = 3, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो मैंने समझाया है, अगर आप फास्ट करोगे क्योंकि आपको पता होगा आप समझ के करोगे तो
तो आपको बन जाएगा। ठीक है, एक बार समझने के लिए थोड़ा से लो चला रहे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, एक्स वर्ग माइनस पी एक्स प्लस चार के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। काफी अच्छा और आईएमपी सवाल है, बड़े ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसको लिख लो, एक्स वर्ग माइनस पी एक्स प्लस चार बराबर जीरो। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। तो इससे तुलना करने से हमें क्या दिखाई दिया कि एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कटेगा तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो ए का मान तो एक है। एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी का मान कित यहाँ प्लस है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा माइनस पी, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो पी तो फिर माइनस पी बनेगा, है कि नहीं। क्योंकि जब प्लस लग जाएगा तो पी अकेला नहीं होगा, माइनस पी होगा तब वो प्लस माना जाएगा। तो याद रखना कि एक्स के साथ में चिन्ह सहित जो कुछ है वो लिखना पड़ता है। सी के साथ में चिन्ह सहित क्या है, तो प्लस फोर है, तो सी बराबर हम फोर भी लिख सकते हैं। तो ए बी सी के मान हमारे पास हैं। अब पूछा क्या है कि मूल बराबर हो। देखो मैंने आपको बताया था कि मूल बराबर कब होते हैं, जब डी जो है विविक्तकर जो है वो जीरो के बराबर हो। देखो जो भी चीजें आपने सीखी हैं उसका अब फायदा होगा, मूल बराबर हो यानी डी बराबर क्या है, जीरो है। तो यहां से डी का मान मैंने आपको क्या बताया था, पी वर्ग माइनस चार ए सी, यही था ना, बराबर क्या कर लो जीरो। बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस पी, माइनस पी का वर्ग कर लो माइनस चार, ए का मान बताओ कितना है, एक है, और सी का मान कितना है, चार है, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और चार चौके 16, माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा जीरो। माइनस का 16 इस तरफ पक्षांतर कर लोगे तो पी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो पी बराबर अपन को मिलेगा अंडर रूट 16। अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है तो या तो वो प्लस में हो सकती है या वो माइनस में हो सकती है, और चार यहाँ दोनों केस पॉसिबल है क्योंकि मूल है, तो पी की वैल्यू प्लस माइनस चार ये वाला आप लगा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का विवेचक क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर हमने जीरो ले लिया, ये समझ लो आप पहले तो, कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर हमने जीरो ये जो दिया गया है वो लिखा है। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, अपने व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग, विवेचक का मतलब घबराना नहीं है, विवेचक यानी विविक्तकर डी ही होता है, तो सवाल आप पे बन जाना चाहिए ये वाला क्योंकि पिछले जैसा है, बराबर जीरो। ये क्या है, वर्ग समीकरण है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे कि एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कैंसिल तो ए का मान कितना निकल के आ गया, पी, एक्स से एक्स कैंसिल तो बी का मान कितना है, बी बराबर आपके पास है क्यू, और सी का मान कितना है, तो सी बराबर पूरा का पूरा आर है। अब विवेचक पूछा है तो विविक्तकर डी का जो मान होता है वो क्या होता है, बी वर्ग माइनस चार ए सी, यही होता है ना। तो यहां से बी का मान कितना है, क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस चार, ए का मान कितना है, पी है, तो यहाँ पी आ जाएगा, और सी का मान कितना है, आर है, तो आर, बस देख के मान रख देना है। तो आगे बढ़ोगे तो ये क्या है, क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ माइनस फोर पी आर, तो माइनस फोर पी आर, और ये जो है कहाँ पे लिखा है, क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर, ये लिखा है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद क्या होगा। तो ये जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है इसका प्रथम पद क्या होगा, जो पहले लिखा होता है ये वाला, तो प्रथम पद कितना है, 14 है, ठीक है भाई साहब। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो तो सार्वंतर आ जाता है, यानी 9 में से हम 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 14 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 5। पूछा क्या है, 12वां पद, 12वां पद यानी A12 ये कहलाता है 12वां पद। तो 12वें पद का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, 12वां पद है तो A प्लस 11 डी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जैसे 12वां पद है
तो उसमें 11 डी कर दोगे। जैसे 14वां पद है, जैसे आपसे मैंने कहा होता कि ए 100वां पद बताओ, तो आप आराम से बना लोगे फॉर्मूला कि ए प्लस 99 डी। आप समझ रहे हैं ना, एक कम करके डी करेंगे और पहला पद हमेशा फिक्स रहेगा, ए ही रहेगा। तो अब 12वां पद है, बस ए और डी के मान हमारे पास ऑलरेडी है, रख दो। ए का मान कितना है, 14 है, प्लस 11। डी का मान कितना है, माइनस का 5 है। तो क्या हो जाएगा, 14 और 11 पौने माइनस का 55 हो जाएगा। 55 में से 14 घटाओ तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस का 41 बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि समांतर श्रेणी फिर से यही है और एन बा पद पूछा इस बार, तो इसका ए कितना था, 14 ही था। सेम सवाल है बिल्कुल, डी कितना था, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो ना, तो 9 - 14 कितना आपके पास बचेगा, माइनस का 5। पूछा क्या है, एन बा पद। एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 × d, यानी जो भी यहाँ एन रहता है, जैसे 12 रहता है तो 12 में से 1 घटेगा फिर डी, यानी 12 - 1 11 d। तो वो फॉर्मूला भी उसी तरीके से होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 × d। अब देखना यहाँ पे ए का मान बताओ कितना है, 14 है, 14 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1 ज्यों का त्यों, और डी का मान कितना है अपना, माइनस का 5। अब माइनस का 5 का गुणा इस एन में भी होगा और माइनस 5 का गुणा माइनस 1 में भी होगा, और 14 तो अपना लिखा ही रहेगा, तो माइनस 5 का गुणा एन में करो तो माइनस 5 n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 1 में 5 एकम 5, 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 - 5 n आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व नहीं होता है। तो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 19 - 5 n। ठीक है, ध्यान रखना है माइनस ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि माइनस का n में होगा तो -5 n - 5 n बन रहा है, तो माइनस ही यहाँ पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सारांतर डी है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एमपी बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है, तो ये एमपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए सवाल में योगफल का फॉर्मूला है जो बच्चों को याद होना चाहिए, n/2 2a + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, ये योगफल का फॉर्मूला, प्रथम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। तो एन बा पद भी आप याद कर लो, एन बा पद आपसे पूछा जा सकता है, ए प्लस एन माइनस 1 × d एन पदों, और एन पदों का योगफल भी आप याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये भी आप याद कर लो, दो चीजें याद कर लेना, आपको पेपर में यहां से जरूर आएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + n किसके बराबर है। तो ये तो बहुत आसान है, प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका एक सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है, n n+1/2, ये सूत्र होता है। तो आप कितनी भी 10 प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए, 12 का चाहिए, 13 का चाहिए, 15 का चाहिए, जितनी भी चाहिए वो इस सूत्र से आ जाएगी, इसका सी नंबर का सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें कोण कोण समान हो जाते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण फिक्स होता है 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 60 का रहेगा, तो चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो, 60 डिग्री का रहेगा, तो कोण कोण समरूपता से वो समरूप हो जाएंगे, इसलिए इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है कि सभी व्रत होते हैं, दुनिया का बड़ा व्रत, दुनिया के कोई भी व्रत चाहे बड़ा व्रत हो चाहे छोटा व्रत हो, दिखने में तो वो व्रत ही ना, तो वो क्या होता है, समरूप होता है, इस बार से दिखने में एक सा रूप होता है, तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, ध्यान रखना इस बात। आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी सवाल है ये, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु ए बी ए सी और क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी, ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी 2 सेंटीमीटर, ए क्यू 6 सेंटीमीटर हो, तो क्यू सी, दिखने में बड़ा सवाल है बट टेंशन मत लो। त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी सी है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये देखो ये मैंने क्या कर लिया, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में इन्होंने कहा है कि P और Q बिंदु AB और AC पर क्रमशः है, तो
मैं ए बी सी नाम दे रहा हूं, और पी क्यू ए बी और ई सी पे है, तो यहाँ पी और यहाँ क्यू नाम दे दिया। चलो पी क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है बी सी की, तो पी क्यू बी सी के समांतर है, यानी ये वाली और ये वाली समांतर है। ए पी 3 सेंटीमीटर है, ए पी 3 है, पी बी 2 है, पी बी 2 है, ए क्यू 6 है, ए से लेके क्यू तक 6 है, और क्यू सी एक्स है, क्यू सी कितनी है एक्स है, तो एक्स का मान निकालना है। देखो यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि पी क्यू अगर बी सी के समांतर है, तो लिखोगे कि चूंकि पी क्यू समांतर है बी सी के, तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि ए पी बटे पी बी बराबर क्या होता है, ए क्यू बटे क्यू सी। पेपर में तो ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना 3/2, क्योंकि ए पी क्या है 3 है और पी बी क्या है 2 है, तो 3/2 बराबर है ए क्यू यानी 6 और बटे एक्स के। तो 3 का x में करोगे तो 3x बराबर, और 6 दूनी कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, क्योंकि ये गुणा में है तो बटे में आएगी, तो 3 चौके 12 यानी जो x की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में आपको टिक लगा देना है। बहुत ही आसान सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा था। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये एक समरूप त्रिभुज है, और एक और बना लेता हूँ सवाल को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। एक ही है, छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि समरूप है, जरूरी नहीं कि सर्वांग सम हो। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये ए बी सी है, और ये त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की अगर भुजाएं दी गई, जैसे मान लो कि 4:9 है, तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा 4 है और ये 9 है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये बड़ी लग रही है तो ये 9 होनी चाहिए, ऐसा मत सोचो, ये नमूना आकृतियां हैं, तो 4:9 है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटे में अगर उसके समरूप त्रिभुज जो पी क्यू आर का एरिया अगर हम करें, पी क्यू आर, तो क्या होता है, ये अनुपात में इनका जो मान आता है, इनका जो उत्तर आता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो इनकी भुजाएं को अनुपात जो दिया गया है ना, उस पे भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, यानी कि 16:81 आंसर आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये 16:81 जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर, ये जो एल एम है ये एफ जी के समांतर है, तो आपको बताना है कि एल ई कितना होगा। एल ई को एक्स मान लो, अभी तो किया, इसके बटे ये कर दो, इसके बटे ये कर दो, तो एक्स बटे 7.2 कर दो बराबर 1.8/5.4 कर लो। क्लियर है कि नहीं? तो 5.4 का एक्स में होगा तो 5., थेल्स प्रमेय लग रहा है, तो 5.4 का एक्स में होगा तो 5.4x बराबर 1.8×7.2। क्लियर है कि नहीं? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब ये इसको नीचे लेके आ जाओ, तो x बराबर क्या होगा, 1.8×7.2/5.4। हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 18 एकम 18 एक बार गया गया कि नहीं, 18 एकम 18, और यहाँ पे हम कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 18 18 दूनी 18 दूनी 36, 18 54, ठीक है, 3 बार गया, 3 से ये काट देंगे, तो 3 दूनी 6, बचा 1 3 चौके 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर सही उत्तर भी लिख गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? काफी आसान है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो अब इसमें आप देख लो कि कर्ण लंब आधार किस में होते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होती है, थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और बची हुई भुजा आधार होती है। तो सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज से आप आसानी से इसको लगा लेते हैं, आई थिंक। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है? अब इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ की समझ होनी चाहिए, तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं, एक इस तरीके से, ये देख लीजिए,
अब इस ग्राफ से क्या सीख मिलती है कि ये प्रथम चतुर्थांश है ये वाला, ये इस तरफ ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये जो है तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये एक्स का, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, आपको पता होगा ये बीच में मूल बिंदु होता है 0। तो ये एक्स के पॉजिटिव अंक लिखे होते हैं यहाँ पे प्लस वाले, जैसे 1 2 3, तो यहाँ माइनस वाले लिखे होते हैं -1 -2 -3 एक्स के ही। तो ये एक्स की नेगेटिव अक्ष हो जाती है, और ये नीचे वाई की नेगेटिव अक्ष हो जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 1 2 3 ये प्लस वाले लिखे होते हैं और यहाँ पे माइनस वाले लिखे होते हैं, आप समझना इस बात को। तो ये वाई के कैसे हैं, माइनस वाले हैं। अब आपको ध्यान देना कि प्लस और प्लस इस वाले चतुर्थांश में देखें तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस प्लस वाले बिंदु आएंगे, यानी भुज भी प्लस का होगा और कोटि भी प्लस की होगी। इस वाले चतुर्थांश में आप देखोगे तो भुज तो माइनस का होगा लेकिन कोटि पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस वाले चतुर्थांश में आप नीचे वाले में देखोगे, इस वाले में तो यहाँ आप देखोगे तो भुज कैसा होगा, माइनस का, लेकिन कोटि भी माइनस की होगी। तृतीय चतुर्थांश में दोनों बिंदु माइनस माइनस के होंगे, और चौथे वाले में क्या होगा कि भुज तो प्लस का होगा लेकिन कोटि माइनस की होगी। अब ये आपको क्यों बताया है वो ध्यान दो जरा, बिंदु देखो ये क्या है, भुज प्लस का है और कोटि माइनस की, क्योंकि पहला बिंदु भुज यानी एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है, एक्स निर्देशांक को, और ये वाई निर्देशांक को दिखा रहा है। तो भुज कैसा है, प्लस का, तो ये देखो, और कोटि कैसी है, माइनस की, ये देखो, यानी चतुर्थ चतुर्थांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी समझ है, अगर आप आपको और डिटेल में समझना है तो मेरा मैंने अध्याय 7 पढ़ाया हुआ है निर्देशांक की ज्यामिति, उसको आप जाके देख लेना, आप सर्च करना कि क्लास 10th मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति वाई फ्री ऑनलाइन कोचिंग, आपको मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें आप देखना मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप डिटेल से भी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, और ये बिंदु दिया ही गया है, तो हम क्या करेंगे, दूरी निकाल देंगे। कैसे निकलती है, देखो पहले बिंदु में से पहला बिंदु घटा के वर्ग कर दो, यानी 0 में से 2 घटा के वर्ग कर दो, अंडर रूट तो रहेगी रहेगी बीच की दूरी निकालने के लिए। मैं थोड़ा बता देता हूं, इसे X1 कहते हैं, इसे Y1 कहते हैं, इसे X2 कहते हैं, और इसे Y2 कहते हैं। अब सूत्र क्या है दूरी का, अंडर रूट X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर। लेकिन मैं कहता हूं इस सूत्र को देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बिंदु देख के बता सकते हो। कैसे, जैसे पहला बिंदु 2 3 है, दूसरा ये, तो देखो सीधा करण ही लगाओ, पहले में से पहले घटा के वर्ग कर दो, यानी 0 में से 2 घटा के वर्ग कर दो, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटा के वर्ग कर दो, यानी 0 में से 3 घटा के क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब यहां से देखोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 13, अंडर रूट 13 आंसर आ जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, यानी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष कहाँ मिलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा। बहुत आसान है ये, IMP भी है, इसको देख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो देखो इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब मान लो कि यहाँ पे भी 1 2 और 3 लिखा है, अब जैसे मान लो कि कोई बिंदु यहाँ पे है या यहाँ पे, तो इस बिंदु में जो वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से मान लो कि ये वाई अक्ष से दूरी है, तो ये वाई अक्ष से दूरी दिखाएगी कि ये बिंदु कहाँ पे है वाई अक्ष से दूरी में, तो इसको नीचे तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी तो ये होगी। तो जो वाई अक्ष से दूरी होती है एक्चुअली में वो यहां तक पहुंच गया, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक दिखा देता है। जैसे कोई भी बिंदु यहां पे है, इस पॉइंट पे है, तो वो एक्स को 3 अक्ष पे मिल रहा है, एक्स के किस बिंदु से मिल रहा है, 3 बिंदु से मिल रहा है, यानी कि 3 जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे वो 3 है, और वाई के कितने हैं, 2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 3 और 2। लेकिन कोई आपसे आके ये पूछ ले कि बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी, तो वाई अक्ष से दूरी जब आप नापोगे तो ये आएगी, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या है, 3 है। तो जैसे इस निर्देशांक में 3 क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है, तो वाई अक्ष से दूरी भी क्या हो गई, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो आप यहां पे लिखोगे एक्स निर्देशांक जो है आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी क्या है। बहुत आसान है, ये दोनों बिंदु, तो कुछ नहीं करना। बीच की दूरी के लिए मैंने बताया कि वो फॉर्मूला भी मत ध्यान रखो, सीधा इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दो, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर दो, यानी -2 में से -2 घटा के वर्ग कर दो और 3 में से 3 को घटा के वर्ग कर दो, 3 - 3 का स्क्वायर। अब देखो -2 - 2 - 4 का वर्ग हो गया और 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, तो -4 का वर्ग +16, 16 का वर्गमूल +-4, या 4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आंसर कितना सिंपल रहता है, आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। अगला है कि बिंदु R और S को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के लिए तो एक फॉर्मूला ही होता है, x1 + y1/2 और x2 + y2/2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए है, x1 + y1/2 और x2 + y2/2। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि x1 के साथ में x2 है, समझ पा रहे हैं आप। ये ही होगा क्योंकि x1 + y1, जैसे कि दो बिंदु है x1 y1 और यहां देखो x2 y2, तो इसमें से इसको जोड़ के 2 का भाग कर दो, यानी x1 + x2। देखो आप, सॉरी थोड़ा सा मैंने मिस्टेक बता दिया, ये वाला होगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ा तो फिर मैंने देखा x1 + x2 और y1 + y2, यानी x1 + x2, क्योंकि मुझे डाउट था इसलिए मैंने लिख भी लिया, चलो सही रहा, y1 + y2/2, ये हो जाएगा। ठीक है, गलती होते होते रह गई, बट कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेक वर्ग थीटा -1 का मान क्या है? मोस्ट आईएमपी सवाल, इसको कैसे करोगे? एक सर्वसमिका होती है 1 + tan² θ बराबर सेक वर्ग थीटा, ये सर्वसमिका याद करो आप, एक तो ये होती है, बाकी की दो और मैं बता दे रहा हूं, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर एक ये वाली एक, और 1 + cosec² θ या 1 + cot² θ बराबर cosec²θ। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा क्या है कि sec² θ -1 किसका मान है, तो एक का इस तरह पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा, tan² θ बराबर क्या हो जाएगा, sec² θ -1। इसको इस तरफ ले आओ तो sec² θ -1 किसके बराबर है, tan² θ के। तो आप देख सकते हो कि tan² θ ऑप्शन में है, बहुत आसानी से टिक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि a + b = 90 हो तो cos a का मान क्या होगा? मोस्ट आईएमपी, हर बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी सवाल है, क्या क्या दिया गया है कि a + b = कितना हो, 90 हो। तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले आपको cos a पूछा है ना, तो b का पक्षांतर करो इस तरफ, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 - b। अब दोनों तरफ क्या कर लो, cos ले लो क्योंकि cos पूछा है, तो cos यहां भी ले लिया दोनों पक्षों में cos लेने पर, तो यहां भी cos a हो गया और यहां भी क्या हो गया cos, और ये हो गया 90 - b। cos 90 - θ क्या हो जाता है, sin θ, तो sin और θ क्या है, b, तो cos a sin b के बराबर है, यानी कि c नंबर का सही है, cos a किसके बराबर है, sin b के बराबर। आगे बढ़ते हैं, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो, 45, याद रखना कि जब भी 45 डिग्री आ जाए आपके पास में कोण, तो जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही लंबाई होगी। देखो कैसे, मान लो कि ये मीनार है और ये उसकी छाया है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, चलो 10 मीटर मान लेते हैं, कोण कितना है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, तो ये x मान लो, तो tan का सूत्र लगा दो, tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है 10 और आधार क्या है x, tan 45 का मान कितना होता है एक, तो 1/1 बराबर 10/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि जितनी ऊंचाई थी उतनी ही छाया की लंबाई आ गई। तो आपको ये सवाल पेपर में सॉल्व नहीं करना है, यहां 45 लिखा देखा और सीधा जितनी ऊंचाई है उतनी ही छाया की लंबाई, कि बस खत्म खेल। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि देखो खंभे की, सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, तो जब खंभे की छाया और लंबाई बराबर कब हो सकती है, जब थीटा 45 हो, तो टेन 45 होगा बिल्कुल, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 180/4
यानी पाई क्या है 180 है, तो बटे चार करेंगे तभी ना 45 आएगा, तो पाई बटे चार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, 180 बटे चार करो, चार चौके 16, बचे दो, चार पंचे 20, तो पाई बटे चार कोण होगा, तब जाके आपकी ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो सीधा और उल्टा दोनों तरीके से बता दिया, सवाल आपको जरूर आएगा पेपर में, मोस्ट आईएमपी है, ध्यान देना इसको। अगला क्वेश्चन है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जैसे कोई व्रत है तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या कहलाती है, परिधियों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, तो एक परिधि, परिधि क्या कहलाती है, ये वाली परिधि कहलाती है, तो परिधि के एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इसको मिला दिया तो ये जीवा बन गई। दूसरे तरीके से समझा देते हैं, देखो इधर, जैसे मान लो कि परिधि का एक बिंदु ये है और परिधि का एक बिंदु ये, इसको मिला दो, ये भी क्या बन गई, एक जीवा बन गई। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से, केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये तो व्यास हो गया, क्योंकि सेंटर से जो जीवा खिंचती है उसे व्यास ही कहते हैं। तो यहाँ पे व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास होती है। आराम से पढ़ लेना, बहुत आईएमपी है। अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले व्रत हमेशा कैसे होते हैं, अलग अलग त्रिज्या है तो सर्वांग सम नहीं हो सकते, ये दोनों भी नहीं हो सकते, केवल क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी दिखने में समान होंगे लेकिन वो एक से नहीं होंगे, ठीक है, केवल दिखने में लगेंगे कि दोनों व्रत हैं, कोई आयत नहीं है, दोनों व्रत हैं। दो व्रतों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो मान लेते हैं कि पहले व्रत का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये दो व्रत है, एक छोटा व्रत है एक बड़ा व्रत है, ऐसे मान लो, तो बड़े व्रत का, बड़े व्रत की त्रिज्या मान लो आर वन है और छोटे व्रत की त्रिज्या क्या है, आर टू है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर होगा कि नहीं। अब आपको एक बात याद रखना है कि इनका अनुपात कितना है, 3:4 त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसका मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो हम तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लें, पहले पाई आर स्क्वायर बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लें पाई आर टू स्क्वायर, इनका अनुपात हमें पता करना है, तो कुछ नहीं, त्रिज्याओं का मान क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 3 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 4 है, क्रम से दी गई है, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पाई से पाई कट जाएगा, आर वन हो जाएगा 3 का स्क्वायर और त्रिज्या हो जाएगी दूसरी 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आंसर है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आप दूसरे तरीके से बता दीजिए, तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो है आर वन का मान है और ये जो है आर टू का है, कुछ नहीं करो, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात देखे, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पहले लिख लो, पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर, ये क्षेत्रफलों का अनुपात है जिसमें से पाई कट रहा, आर वन का मान रख दो 3 और आर टू का 2, उन पे वर्ग करोगे तो आर वन कितना हो जाएगा 3, आर टू 4 है, वर्ग करोगे तो 3 तिरका 9 और 4 चौके 16, 9:16 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो व्रतों की परिधियां, परिधियों का अनुपात है, यानी ये जो अनुपात है ये 2, दो व्रत है ना, तो पहले व्रत की परिधि मान लो 2 पाई आर वन, वो कितनी दी गई है 2, दूसरे व्रत की परिधि मान लो 2 पाई आर टू, वो कितनी दी गई है 3, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इनके अनुपात कर दो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर वन भी 2 और आर टू, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा, मतलब सीधा सा मतलब है कि जितना अनुपात परिधियों का होगा उतना ही अनुपात उनकी त्रिज्याओं का होगा, जबकि क्षेत्रफल के केस में उनके वर्ग के बराबर होगा, जैसे समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक उसी तरीके से व्रत में भी होता है, लेकिन परिधियों में वर्ग नहीं होगा, परिधियों में जिस तरीके की परिधि है उसी अनुपात में उनकी त्रिज्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले व्रत के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, बहुत आसान, बहुत आसान, क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, अब 4 ऑप्शन में से बताना, पहले तो मैं बता देता हूं कि थीटा कोण होता है, तो होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, यही होता है, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है पी, तो हो जाएगा पी डिग्री बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, यही होना चाहिए, पाई बड़ा आर है हर जगह, तो बड़ा आर ले लेते हैं, बड़ा आर स्क्वायर, लेकिन ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, चारों ऑप्शन देख लो आप, यहाँ पे 360 है लेकिन 2 पाई आर है, यहाँ होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ये होता है मेन, इसका मतलब इसमें दिया तो गया है लेकिन छुपा के लिखा है, तो हम ट्राई करते हैं कि
जैसे इसमें आर स्क्वायर वाले कौन कौन से, एक तो ये आर स्क्वायर वाला, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 360 चाहिए, इसमें 180, तो ये नहीं हो सकता। आर स्क्वायर वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो बचा कौन, ये होगा। लेकिन कैसे हो रहा है, देखो दो का गुणा और दो का भाग है, अगर दो का गुणा कर दोगे तो 2π² आ जाएगा, और दो का गुणा यहाँ कर दोगे, दो का गुणा और नीचे भी दो का गुणा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तो 360 दूनी 720, यानी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी है तो इसका विकर्ण क्या होगा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग, रूट के अंदर होता है ये क्या है, सूत्र किसका है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, आप समझ पा रहे हैं इसको। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ये है, और ए बी सी के मान, ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये आखिरी वाला सी का मान है, मान रख दो बस। ए का वर्ग यानी 10 का वर्ग, बी का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, और सी का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 100, 64 और 36 कितने होते हैं, 200, 6 4 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 6 3 9 और 1 10, और 100 तो पहले ही से था, 100 और 100 कितने हो गए, √200। 200 का वर्गमूल कैसे आएगा, कैसे आएगा बताओ जल्दी से, 50 × 4 हम लिख सकते हैं 200 को, 4 का वर्गमूल 2 रहेगा, अंडर रूट के भीतर 50 रहेगा, 50 को और तोड़ दो, 25 दूनी 50, यही होता है ना, तो ऐसे तोड़ दो, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट 200 का ही गुणनखंड निकाल दो सीधा, 2 एकम 2 100, 2 50 आधे करते चलो, 2 25 5 5 5, 5 की जोड़ी बनेगी तो 5 बाहर हो जाएगा, 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 बाहर हो जाएगा, भीतर रह जाएगा केवल 1 सिंगल, 2 रूट के भीतर, तो 5 दूनी 10 √2 आंसर आ जाएगा, कहाँ लिखा है ये लिखा है 10 √2। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने तो आपको तरीका दिखा दिया कि कैसे करना है, आप चाहो तो आप खुद भी इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन क्या है, घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का 6a वर्ग, ये याद रखना पड़ेगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6a वर्ग, और वो कितना दिया गया है, 216। तो यहां से मैंने क्या किया, ए वर्ग ज्यों का त्यों 6/6 में कर दिया, तो 216/6 कर दिया, तो ये 36 से कट गया, 36 बार कटेगा, 36 छक्के 216, तो ए वर्ग बराबर कितना आया, 36, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल यानी अंडर रूट 36, 6 का वर्गमूल कितना, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो भुजा कितनी निकल के आ गई, 6। अब जो चाहे निकाल सकते हैं, आयतन पूछा, आयतन होता है ए घन, घन का आयतन, ए का मान तो 6 है, तो 6 का घन कर लेते हैं, तो 36 छक्के यानी 3 बार लिखेंगे ना, तो 6 × 6 × 6, तो 6 ही 36 छक्के 216, यानी आयतन भी उतना ही आ गया जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो हमने यहाँ पे डी ऑप्शन में टिक मार दी। आगे बढ़ते हैं, ये हमें संख्या दी गई, इसका बहुलक पूछा है कि बहुलक क्या हो सकता है, काफी कमाल का सवाल है, बहुलक क्या कहलाता है जो ज्यादा बार आया, तो देखो 6 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, और तो है नहीं, तो 6 कितनी बार आया है, 3 बार लिख लिया मैंने, चलो 3 बार आ गया 6। अब इसके बाद मैं देख रहा हूं कितना, 4 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 भी कितनी बार है, 3 बार, चलो इसको भी मैंने लिख लिया कि 4 कितना है, 3 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। 3 कितने बार है, 1 2, तो 3 तो 2 बार ही है, 2 बार है, बाकी 5 और x भी एक एक बार है, तो ये तो लिखना नहीं है, तो 3 3 बार, 6 और 4 है, तो यहाँ पे 6 और 4 दोनों, 4 और 6 दोनों, ये आंसर होना चाहिए बी वाला, ठीक है, तो ये आप पे बन जाएगा। बहुलक बस का अर्थ पता होना चाहिए, बहुलक क्या होता है कि कोई चीज कितने बार आई हुई है, सबसे ज्यादा बार जो है वो बहुलक है। अगला क्वेश्चन है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को क्या होना चाहिए, समावेशित या अपवर्जी या दोनों, दोनों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि समावेशित क्या होता है, जैसे वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, तो अगला वर्ग अंतराल अगर 16 से 20 है, मान लो 16 से 20 है, तो ये कहलाता है समावेशित। अपवर्जित क्या कहलाता है, अपवर्जी क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल जैसे 5 से 15, तो अगला 15 से ही स्टार्ट हो और 20 हो,
इसे बोलते हैं अपवर्जी, ये कहलाता है समावेशित और ये कहलाता है अपवर्जी, और दोनों से ही हम तोरण खींच सकते हैं मेथड अपना के, तो ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो आप अपने विवेक और बुद्धि से जान सकते हो कि इसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस तीन एक्स, एक्स प्लस तीन एक्स प्लस छह, एक्स प्लस नौ, एक्स प्लस बारह का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य मतलब होता है औसत निकाल दो, तो हम सभी को जोड़ देंगे, पहले एक्स एक्स प्लस तीन जोड़ दिया, फिर एक्स प्लस तीन में हम जोड़ेंगे एक्स प्लस छः, फिर उसमें जोड़ देंगे एक्स प्लस नौ, फिर उसमें जोड़ देंगे एक्स प्लस बारह, तो एक्स प्लस बारह, और कितने आंकड़े हैं, एक दो तीन चार पांच। ये एक चीज को एक आंकड़ा गिनेंगे अपन, पांच आंकड़े हैं तो पांच का भाग कर देंगे और इसका समांतर माध्य देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक एक्स एक्स गिन लो पहले, एक दो तीन चार पांच एक्स है, संख्या गिन लो, तीन छह तीन नौ, नौ पांच चौदह, चौदह और बारह और चौदह और बारह, चार दो छः छब्बीस, नहीं कुछ तो गड़बड़ा है, तीन छह तीन नौ, नौ और नौ अठारह होंगे, है ना, अठारह और बारह कितने होंगे, तीस, ठीक है, तो तीस आ जाएंगे, और बटे में कितना है पांच, यहां ऊपर से पांच कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस छह बचेगा, पंचक के तीस और बटे में पांच, पांच से पांच कट गया तो एक्स प्लस छह आंसर आ जाएगा, यानी एक्स प्लस छह कहां पे लिखा है ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है, तो माध्य का नौ है, ये क्या है, माध्य है, माध्य एक्स डैश से दर्शाते हैं, माध्य का ये एम से दर्शाते हैं और बहुलक जेड से दर्शाते हैं जो कि पूछा गया है, तो बहुलक जेड का फॉर्मूला, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध याद कर लेना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जेड बराबर होता है 3m माइनस 2x डैश, ये याद कर लो आप, ठीक है, 3m माइनस 2x ये आपको याद कर लेना है, तो जेड आंसर आ जाएगा। 3m का मान कितना है भाई साहब, माध्य का 9 है तो 9 रख दो, माइनस 2x डैश कितना है 8.9, तो जेड बराबर 9 तीया 27, 9 9 दुनी 18 की 8 हासिल आ जाएगी एक, और दो अट्ठे 16 और एक 17, माइनस 17.8, 9 3 27, तो जेड बराबर आप घटा के देखो इस बार 27.00 में से 17.8 घटा दो, चलो तो 10 में से 8 के बचे 2, 6 में से 7 यानी 16 में से 7 के बचे 9, और ये 9.2 करीब आंसर आ जाएगा, तो 9.2 कहाँ लिखा है, सी नंबर पे, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये माध्य माध्यिका बहुलक से एक जरूर आएगा, ये संबंध आपको अच्छे से नोट कर लेना है, मोस्ट आईएमपी संबंध है। अगला है, यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा, यानी किस, पीई का मतलब क्या है कि कोई घटना होने की प्रायिकता, और पीई नॉट का मतलब क्या है, सॉरी पीई का मतलब क्या है, पीई का मतलब है कोई घटना होने की प्रायिकता, और पीई नॉट का मतलब क्या है, कोई घटना ना होने की प्रायिकता, तो दोनों का योग यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई भी घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 100% तो हम श्योर नहीं होते कि ये घटना होगी ही होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए दोनों का योग, दोनों की प्रायिकता 100% हो सकती है। 100% मतलब एक कि कोई भी दुनिया की संसार की कोई भी घटना होने या ना होने का 50-50 चांस होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 100% यानी एक होता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाते हैं आई थिंक। चलिए, तो ये थे हमारे 50, लगभग 50 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, इनको अच्छे से कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी स्पेशल वीडियो के साथ, बाकी आपको नोट्स लेना है तो मेरा नंबर आप जरूर नोट करिए, 9131 47 10 72, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारे पास किस किस सब्जेक्ट के नोट्स हैं और आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिनिमम प्राइस है, सब कुछ आपको पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।